हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एस एन फूड। तो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ हेल्दी स्मूदी की रेसिपी। और गाइस, ये स्मूदी बहुत ही हेल्दी होने वाला है। इसे अगर आप डाइट कर रहे हैं वो लोग भी इसे ले सकते हैं, इसे कोई भी ले सकता है। अगर आपके बॉडी में एनर्जी नहीं लगती हो, वीकनेस लगती हो, तो इससे आपके बॉडी में एनर्जी भी आएगी, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे इन्ग्रीडियंट्स हम डालने वाले हैं। पहले तो गाइस, आप देख सकते हैं एक जार में मैंने कुछ फ्रूट्स डाले हैं। यहाँ पर मैंने गाइस 5 बनाना डाले हैं, ये आप देख सकते हैं। एक एप्पल डाला है, एप्पल को ऐसे तोड़ लिया है। और 4 से 5 स्ट्रॉबेरीज डाली है। आप अपने पसंद का कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं, या इनमें से आपको कोई पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बट गाइज, ये जितने भी फ्रूट्स मैंने डाले हैं, ये नॉर्मली डाइट वाले लोग भी खाते ही हैं इन सबको। बनाना, एप्पल और स्ट्रॉबेरी, ये हेल्दी ही है। तो गाइज, पहले तो इन सबको अच्छे से हमें ब्लेंड कर लेना है। मिल्क हम बाद में डालेंगे, इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं, सिर्फ ये फ्रूट ही नहीं रहेगा, और भी चीज़ें रहेंगी। तो पहले इसे स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। मिल्क डाल के गाइज एक साथ पीसेंगे तो अच्छे से पिसेगा नहीं। आप चाहें तो मिल्क डाल के एक साथ भी कर सकते हैं, पर मैं सिर्फ पहले इसको पीस लेती हूँ। ये देखिए गाइज, एकदम स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है, प्योरी लाइक हो गया है, एकदम अच्छे से पिस चुका है जैसा कि हमें चाहिए था। अब गाइज, इस स्मूदी का नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है, आप देख सकते हैं मखाने। तो हम इसमें इसको और पावरफुल बनाने के लिए हम इसमें मखाने डालेंगे। आपको इसके बेनिफिट्स पता ही हैं गाइज, बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके बॉडी में वीकनेस रहती हो, एनर्जी नहीं लगती हो, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो कुछ मखाने लिए मैंने, लगभग 1 छोटी कटोरी। इसको हमें गाइज ड्राई रोस्ट करना है, अच्छे से रोस्ट करेंगे फिर हमें इसे पीसना है। तो इसलिए इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे, थोड़ा कुरकुरा हो जाए तो ये अच्छे से पिसेगा। ये देखिए गाइस, मखाने हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अब गाइस, हमें इसे जार में डाल के पीस लेना है, मैं आपको पीस के दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, मखाने हमारे पिस चुके हैं एकदम। आपको फाइन पीसने का जरूरत नहीं है, ये अभी भी देखिए ऐसे ही पीस लेना है, आपको ईजिली पिस जाएगा। अब गाइस, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। अब गाइस, मैंने सेम जार में थोड़ा सा कोकोनट डाला है, ये फ्रेश कोकोनट है। आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं, जो उसका बुरादा आता है, या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट ये भी हेल्दी होता है और ये इसे भी डाइट वाले लोग भी खाते हैं, तो ये भी आप डाल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसको भी मैं पीस लेती हूँ। ये देखिए गाइस, कोकोनट हमारा अच्छे से पीस चुका है, आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अब इसको भी हम डाल लेंगे, इसको भी डाल लेते हैं। अब गाइज, हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने काजू, बादाम और किशमिश लिया है, इन सबको रफली काट लिया है, ये डाल लेंगे। आप चाहें अपने मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, या स्किप भी कर सकते हैं। अब गाइज, मैं यहाँ पे मिल्क डाल लूँगी। मिल्क में 2 से 3 ग्लास डालूंगी। आपको जितने भी लोगों के लिए बनाना है, जितनी भी क्वान्टिटी में, उतना मिल्क डाल लें गाइज। मिल्क यहाँ पर मैंने नॉर्मल काऊ मिल्क लिया है। आप चाहें तो हेल्दी और बनाना है क्योंकि, तो आप कोकोनट मिल्क या फिर आमंड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और गाइज, क्योंकि फ्रूट्स ऑलरेडी मीठा रहता है, बनाना, एप्पल, तो मैं इसमें और कुछ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये हेल्दियर वर्जन है। बट गाइज, आपको मैं ऑप्शंस दे देती हूँ। आप चाहें तो इसमें शुगर डाल सकते हैं, या हेल्दी ऑप्शन में आप ब्राउन शुगर डाल सकते हैं, शुगर फ्री डाल सकते हैं, डेट्स डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं। इन सब में से आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग। अब गाइज, इसको वापस से मैं मिक्सर में डाल के इसको मिक्स कर लूंगी, ब्लेंड कर लूंगी। ये देखिए गाइज, ड्रिंक हमारी रेडी हो गई है। इसे मैंने ग्लास में सर्व कर दिया है, ये पास से दिखाती हूँ। ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल लिए हैं मैंने, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है गाइज पीने में, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है, ये बहुत ही हेल्दी है। और ये ड्रिंक गाइज काफ़ी फुलफिलिंग है, आपको भूख नहीं लगेगी, ये बहुत ही अच्छा ड्रिंक है। एक बार आप ये ट्राई करिएगा, आई एम श्योर ये रेसिपी आज से पहले आप लोगों ने नहीं देखी होगी। तो ये रेसिपी एक बार ऐसे, जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, आप कोशिश करिएगा पूरे डाल के ऐसे बना के देखेंगे। ये ड्रिंक गाइज बच्चों को भी बहुत ही अच्छी लगेगी, इसे आप बच्चे, बड़ों, किसी को भी दे सकते हैं। इसे आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं, पी सकते हैं। आप चाहें तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ इसे, इस स्मूदी को पी सकते हैं, बिकॉज ये हेल्दी ही है। गाइज, इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, आप इसे फास्ट में भी पी सकते हैं। ट्राई करिएगा एक बार इस रेसिपी को, कैसी लगी रेसिपी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।